My name is Kitten. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. I have high pitch voice problem. तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफी फर्क आ रहा है। Okay. I actually had this You said, I take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. Hello. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। My name is Sirajuddin from Warangal. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. I'm able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. Treatment is in there. Mm-hmm. After 2 hours I got my voice. Mm-hmm. Case name Aniket Acharya, age is 23 years and today date is 2nd June 2023 and complain of high pitch voice even after puberty. तो अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए, यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा वॉइस का प्रॉब्लम है पहले से ही, तो मैं आपका वीडियो देख के इधर आया हूँ। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मुझे और सैंपल चाहिए ट्रीटमेंट से पहले वाला। मेरा वॉइस, किसी से बात करता हूँ लड़की जैसा वॉइस आता है फ़ोन पे, पतले टाइप का आवाज आता है बहुत। पोस्ट थेरेपी वीडियो ऑफ अनिकेत आचार्य एंड टुडे डेट इज 7th June 2023। तो अनिकेत बताइए क्यों यहाँ पे आए थे और ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है? मेरा वॉइस लड़की की तरह आ रहा था तो इसलिए मैं इधर आ रहा था। किसी से बात करने में प्रॉब्लम होता था बहुत ही। मैं इंटरव्यू भी दिया था तो इंटरव्यू पे वॉइस के लिए रिजेक्ट हो गया था मैं, तो इसीलिए इधर आया। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। कहाँ से आप आए यहाँ पे? मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आया हूँ। तो यहाँ पे आने से पहले कोई ट्रीटमेंट भी ट्राई किया था? नहीं नहीं, कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं किया था, डायरेक्टली यहीं आ गए। हाँ, तो बंगाली में बताइए क्यों यहाँ पे आए थे और ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है, इधर देखे। हाँ, আমার ভয়েসটা মহিলাদের মতো আসতো, তো এজন্য আমি কথা বলতে কনফিডেন্স পেতাম না। আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেখানে এজন্য রিজেক্ট হয়ে যাই, তো এই জন্য আমি এখানে এসেছি। এখন তো ট্রিটমেন্টের পরে অনেকটাই চেঞ্জ। তো আমরা কত দিন লিয়ে হ্যায় ট্রিটমেন্ট করনে মে? আজ কোন সা দিন হ্যায়? ছঠা দিন। আজ হ্যাঁ, 6 ডে। 6 ডে হ্যায়। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি মে সাজেস্ট করতা হুঁ 8 ডেজ কে লিয়ে, লেকিন আপকা 6 ডে মে হি ঠিক হো গয়া, তো মেনে সোচা ইয়ে রেকর্ডিং কর লেতে হ্যায় আজ হি। और क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पेज पर यूज़ कर सकता हूँ? कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द परमिशन। और जो लोग इनकी वीडियो को देख रहे हैं, अगर इनके वॉइस में पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बात दूर तक पहुँचाइए। क्या पता इनकी जैसे समस्या से जूझने वाले व्यक्तियों तक बात पहुँचे आपके शेयर करने से और उनके जीवन में आशा की किरण मिले और वो सही जगह पर पहुँच कर इलाज करा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख कर बताइए कि इनके चेंजेस कैसे हुए। थैंक यू सो मच।